मानव विकास संगठन हरियाणा चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। और आज हम जो है DWO ऑफिस में खड़े हैं और यहाँ पर जो हमारी समस्त व्यक्ति थे अध्यापक संघर्ष समिति के जो प्रदेश संगठन सचिव श्री नितिन लांबा जी हैं और अपने रमेश चहल जी जिला प्रधान है, आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि आने का यहाँ पर क्या उनका उद्देश्य था और किस संदर्भ में जो है यहाँ पर आए हैं। नितिन लांबा जी, आज आपका क्या एजेंडा है, यहाँ क्या कार्यक्रम है? पहले जैसे आप DO ऑफिस गए और DWO ऑफिस खड़े हैं, तो आपका एक ही एजेंडा है कि जो हमारा लेटर जो सरकार ने एक्ट के अकॉर्डिंग रूल बनाया हुआ है कि हमारा रेगुलर के साथ जो DA हमें दो बार मिलना है वो हमें रेगुलर के साथ नहीं मिल रहा, हमारे को हर बार लेटर जारी कराना पड़ता है। उसी लेटर को जारी कराने के लिए आज हम आए हैं, लेकिन आज हमने ये बात भी यहाँ की है कि जैसे अन्य ज़िलों के अंदर ये समस्या को ख़त्म कर दिया गया है, वैसे यहाँ भी जो है लेटर के अंदर प्रावधान कर दिया जाए, लिख दिया जाए लैंग्वेज के द्वारा कि भाई हर बार रेगुलर के साथ ही हमारा DA का लेटर निकला करेगा, हमें बार बार यहाँ चक्कर ना लगाने पड़े। आज हम DO ऑफिस में भी गए थे, DO साहब नहीं मिले, डिप्टी DO साहब मिले हमें, उनको हमने अपना लेटर दिया, बात रखी, हमने अन्य ज़िलों के लेटर भी दिए, डायरी भी हुआ। अब हम DWO ऑफिस में आए हुए हैं, यहाँ भी हमारी बातचीत हो चुकी है और हमें आज उम्मीद है कि आधे घंटे के अंदर अंदर हमारा लेटर जारी हो जाएगा DWO से। तो हमने स्पष्ट रूप से हमारे जिला प्रधान जी ने और संगठन सचिव जी ने, सलाहकार जी विनोद जी ने, पवन जी ने, प्रदीप जी ने बड़े अच्छे से बातचीत रखी है कि भाई बार बार हमारे साथियों को और हमें इस समस्या का सामना ना करना पड़े। जैसे ही रेगुलर का DA बढ़ता है तुरंत प्रभाव से एक्ट के अकॉर्डिंग साफ साफ लिखा हुआ है हमारा भी DA उसी प्रकार से बढ़े और जो एरियर हमारा पीछे अभी नहीं बना और उस एरियर को भी बनाया जाए, ऐसा भी मतलब आप एक लेटर निकाल दें। तो हमें दोनों बातों पे DWO साहब की बात पे संतोष है कि वो जल्दी जल्द कार्रवाई हो रही है और 3% वाला जो लेटर है वो तो आज ही निकल जाएगा और आगे जो है एरियर वाला लेटर का भी प्रावधान जल्द से जल्द वो कर देंगे। तो हमने नितिन लांबा जी से बातचीत की, उन्होंने बताया कि जिस तरह है जो है रेगुलर के जो DA वगैरह में वृद्धि होती है उसी तरह जो है हमारा लेटर भी जो है निकलना चाहिए और बार बार जो है हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं और जो वहाँ के DDO हैं अपने जो वो बार बार ये मांग करते हैं कि लेटर निकलवाओ, आगे से वो मार्गदर्शन भी कई बार मांगते हैं जिसमें जो है अतिथि अध्यापकों का बहुत ही मेंटली हरासमेंट होता है और बार बार चक्कर जो है, पहले तो सरकार की तरफ से बहुत टाइम लगता है निकलवाने में और जब कोई लेटर निकल भी जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट कराने में भी बहुत टाइम लगता है और उसमें काफ़ी समय बर्बाद होता है। तो अब हम बातचीत करते हैं अपने जिला प्रधान श्री रमेश चहल जी से। रमेश जी, आपने अभी आप भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर रहे, DO डिप्टी DO से मिले, पहले वहाँ पर लेटर दिया, DWO से दिए, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो है बात कहाँ पर अधूरी रह जाती है और बार बार जो है हमें जो है लेटर निकलवाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए बार बार बोलते हैं, ये कहाँ की क्या समस्या है आपकी उससे? हाँ जी, नमस्कार जी। समस्या ये है रिजी समस्या की भी जो क्लरिकल जो स्टाफ है स्कूलों में या DDO है वो जो बार बार जानबूझ कर परेशान कर रहे हैं, जबकि एक्ट के अनुसार जो हमारा एक्ट बना हुआ है गेस्ट टीचरों का 2019, उसमें साफ साफ लिखा है कि जनवरी जुलाई में जो है नियमित कर्मचारी के समान इन जिस जैसे कि नियमित कर्मचारी को DA मिलता है ठीक उसी प्रकार गेस्ट टीचरों का मानदेय उसी के अनुसार ही इनको भी जो है उसी हिसाब से दे दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो बार बार जो है वो परेशान करते हैं ताकि ये इनका हरासमेंट होता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा डिले करने में मतलब विश्वास रखते हैं और क्लरिकली स्टाफ जो है ज़्यादातर जो है वो DDO को प्रिंसिपल को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है और हमारे को मिसगाइड करता रहता है। तो ये समस्या है और बार बार जो है जैसे कि हमारा 11% का जो एरियर है, सैलरी तो हमारी जुलाई से जो है अक्टूबर में आ गई थी लेकिन एरियर जो है आज तक नहीं आया हमारा जनवरी 2021 का, तो बार बार ये पता नहीं क्यों परेशान करते हैं इनको ऐसा करने में, ऐसा इनकी सोच कैसी है कैसी नहीं इस बारे तो में। रमेश जी, क्या आप जो है जिस तरह की इस तरह परेशानी होती है, बहुत DDO जो हमारे अच्छे भी होते हैं जल्दी कार्रवाई करते हैं इम्प्लीमेंट और हमारे लेटर वगैरह की और सैलरी में तुरंत प्रभाव से निकाल देते हैं, परंतु कहीं कहीं पर जो है ये समस्याएं आती हैं, क्या यूनियन जो है उनके जो क्लरिकल स्टाफ है उनके खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन के लिए भी तैयारी कर रही है? यदि उनका रवैया नहीं बदला, बार बार वो इसी तरह जो है मेंटली हरासमेंट करते रहे, तो क्या कुछ आगे है यूनियन की तरफ से ऐसा कुछ? यूनियन की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि या तो वो सुधर जाए, नहीं तो फिर सुधरने के लिए उनको कुछ ना कुछ हमने एक्शन लेना पड़ेगा,
ठीक है जी भाई, हम भी जो है परेशान हो चुके हैं, हरासमेंट बार बार होता है, हर चीज़ हर जनवरी जुलाई में जब दूसरों का नियमित कर्मचारी का जो डीए पड़ता है तो महंगाई भत्ता हमारे को मानदेय के रूप में हमारे को जो है या तो अदरवाइज इसको उसी रूप से निकालने की कोशिश करें, नहीं तो फिर हम उसके लिए कोई और एक्शन लेंगे और ऊपर आवाज़ भी उठाई जाएगी और अधिकारी हमारे साथ हैं। आज जैसा कि हम जिला शिक्षा अधिकारी से, उप शिक्षा अधिकारी से और ये जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से मिले, उन्होंने कहा भी हम तो आपके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं, तो आपका जो एरिया रहा है या जो भी मानदेय बनता है वो उसके अनुसार ही उनको जब एक्ट बन चुका है तो उनके अनुसार ही उसको मानदेय के रूप में उसको निकाल देना चाहिए उसी डेट से, लेकिन वो जो है उसको मिसगाइड करते रहते हैं और अपने अनुसार उसको चलाने की कोशिश करते हैं। जो भी डिप्टी अपने डीटो है तो जिला प्रधान अपने बातचीत की रमेश चहल जी से, उन्होंने बताया कि हमारे जो लेटर सरकार निकालती है उन पे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो और हमारी जो सैलरी है और जो बढ़ोतरी डी में होता है तो उसको तुरंत प्रभाव से निकाला जाए, नहीं तो यूनियन जो है जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम होती है क्लरिकल जो स्टाफ जो है मिसगाइड करता है जहाँ जहाँ पर उनके खिलाफ जो यूनियन कोई ना कोई एक्शन जो है लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो जय हिंद जय भारत।